ऋतु गुप्ता लिखती हैं, प्रभु हम क्या करें जब हम अपने गुरु के पास, जब हमें अपने गुरु के पास विकास होता नजर ना आए और आपको सुनकर क्लैरिटी आए, लेकिन मन में ये भी रहे अपने गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए और गुरु का हम पर विशेष प्रेम भी हो, एक साथ दो जगह रहना। ये गुत्थी पता नहीं क्यों हमारे देश में लोगों को उलझन में डाली रहती है। भाई देखिए, गुरु को इंसान मानिए पहली बात तो, गुरु को इतना विचित्र प्राणी बना देने से समस्या आती है। अब मनुष्य के मानवीय संबंध होते हैं। अब तुम्हारे साथ मान लीजिए एक गुरु हैं, मानवीय संबंध है, मानवीय प्रेम है, मानवीय स्नेह है, उसका सम्मान करें, मानवीय प्रेम और स्नेह का सम्मान करना चाहिए। विशेष प्रेम है, इससे सावधान रहें, क्योंकि विशेष शब्द आते ही फिर मैंने वही बात कि अविशेष और विशेष का द्वंद पैदा हो जाएगा। किसी गुरु के पास विशेष होने की कोशिश ना करें, प्रेम है बस, स्नेह है। तमाम गुरु लोग ऐसे हैं जो अपनी साधना की यात्रा में है, अस्तित्व ने उनको गुरु का रोल भी दे दिया है, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं उसमें कोई अड़चन नहीं देखता। मैं तो अपने साधकों से, सीकर से भी कहता हूँ कि टीच करो, लोगों को गाइड करो, कोई तुमसे मार्गदर्शन मांगे दो, इसका इंतजार ना करो कि तुम किसी दिन पूर्ण ज्ञान को उपलब्ध हो जाओगे, टोटल क्लैरिटी तुम्हारे पास आएगी, टोटल अंडरस्टैंडिंग आएगी, तभी तुम किसी को मार्गदर्शन दोगे। नहीं, अस्तित्व ने तुमको अगर उस रोल में डाला है तो मार्गदर्शन दो। ये भी जानो कि भाई मुझे टोटल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो कभी कभी जब आप मार्गदर्शन दे रहे हो तो ये भी कह दो कि भाई इसके आगे मैं नहीं जानता, यहाँ तक तो बात मुझे क्लियर होती है, लेकिन इसके आगे मैं भी ढूंढता हूँ। तमाम गुरु भारत में ऐसे हैं जो इसी अवस्था में हैं, अच्छे हैं, प्यारे हैं, इनोसेंट हैं, उनकी कोई समस्या नहीं, लेकिन हमारी परंपरा एक ऐसा बोझ डाल देती है गुरुओं के ऊपर कि बेचारे ने चार बार किसी को अगर गाइड किया तो हम उसको परम ज्ञानी मानने के लिए उसके ऊपर दबाव डालते हैं, तो वो कभी कह भी नहीं पाता, अंदर अंदर सकुचाता रहता है, अंदर अंदर उसको लगता रहता है कि कभी कह दें कि भाई अब मत आना, इतना ज़्यादा मत पूछना, इसके आगे हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन पूछ रहे हैं। तो एक तो किसी भी गुरु को परम ज्ञानी मत डालें, उसको उसकी सहजता में रहने दें, संबंध का सम्मान करें, स्वीकार करें। संबंध तोड़ने का तो कोई देखिए मतलब नहीं होता है ना, जैसे संसार में हम अनेक अनेक संबंधों में रहते हैं, संसार में हमारी मित्रताएं अनेक अनेक लोगों से होती हैं, अलग अलग गुण होते हैं, अलग अलग विशेषताएं होती हैं, तो एक मित्र से दूसरे मित्र की तरफ जाने में हम पहले मित्र को कोई असम्मान तो नहीं करते, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, उसके प्रति हम कोई बुरा भाव नहीं रखते। है एक मित्र है वो अपने ढंग से खूबसूरत है, एक दूसरा मित्र है वो अपने ढंग से खूबसूरत है, सबकी अपनी अपनी खूबसूरती है। तो गुरुओं को भी ऐसे ही अनंत पथ के मित्र की तरह लें। मैंने गुरु को हमेशा अनंत पथ का मित्र ही कहा। पहली पुस्तक जब मेरी आई थी जिसमें मैंने लेटर्स जो सीकर्स को लिखे थे उनका कलेक्शन था, तो उस पुस्तक का टाइटल ही मैंने दिलवाया था अनंत पथ के मित्र, फ्रेंड्स ऑफ इटर्नल पाथ। और उसमें मैंने कहा था ये जो शब्द हैं, जो शब्द पुस्तक में आए हैं मेरे माध्यम से, वो अनंत पथ के मित्र हैं, वो तुम्हारे सहायक हैं। मित्र तो उंगली थाम कर चलता है, गुरु को अनंत पथ का मित्र जाने। एक मित्र है तो दूसरा मित्र नहीं होगा, तो इसमें कोई दुविधा तो नहीं, इसमें कोई द्वंद तो नहीं। पता नहीं किस घड़ी में गुरु को लोगों ने बिल्कुल ऐसा बना दिया जैसे सात फेरे डाल लिए हों। जैसे शादी हो गई किसी से तो अब ये थोड़ा अपराध बोध लगता है कि अब भाई क्या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में जाएं, तो एक गुरु से दूसरे गुरु की तरफ जाना काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन जैसा अपराध बोध लोगों को देता है। लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल का भी क्या करिए, अच्छे अच्छे संबंध, अच्छे अच्छे लोगों को देखिए, अगर वो घटना होता है तो घट ही जाता है, मैं किसी की टेंडेंसी है वो तो जाने दीजिए, लेकिन टेंडेंसी के अलावा कभी कभी क्या होता है, नेचुरल हैपनिंग है, किसी की डेस्टिनी में है, किसी के नेचुरल फ्लो में
किसी व्यक्ति का घटना है तो घट जाता है। तो गुरु को ऐसे देखिए, उनके प्रति पूरा सम्मान रखिए, उनके स्नेह का प्रेम का आदर करिए। कहीं तुमको क्लैरिटी आती है तो क्लैरिटी के प्रति आदर रखिए, वहां भी सम्मान रखिए, चलिए आगे। कभी किसी को लगे कि नहीं मुझे तो यहीं पर रहना है, मुझे कहीं जाना नहीं, तो वो ठीक है, उसका अपना भाव ठीक है, उसको भाव ही नहीं आता कहीं जाने का, तो वो ठहर गया। कोई पहुंच गया अपने मुकाम पर, अपने मंजिल पर, यानी कि जैसे प्रेम है, कोई किसी के प्रेम में इतना डूब गया कि उसको जरूरत नहीं दिखती, उसको कोई आवश्यकता नहीं लगती किसी और की तरफ हाथ बढ़ाने की, तो वो परितृप्त है। जो इतना परितृप्त है, इतना सेटिस्फेक्शन में जी रहा है, तो वो उसकी जीवनधारा है। लेकिन जिसको लगता है भी हाथ बढ़ाने जैसा है कि हम हाथ बढ़ाएं किसी का हाथ थामें, तो वो भी कोई अपराध नहीं है। हाथ बढ़ाइए, हाथ थामिए, चलिए साथ में, और अपने गुरु से शेयर करिए। जैसे तुमने मुझसे शेयर किया, ऐसे ही अपने गुरु से भी शेयर करिए कि एक सज्जन है, उनकी बातें सुन के अच्छा लगता है। अपने गुरु जी को भी सुनवा दीजिए कि देखिए भाई ये हैं, इनकी बातें सुन के अच्छा लगता है, आपका क्या कहना है। मैं समझता हूँ गुरु अगर संवेदनशील हैं तो कहेंगे अच्छा है, लेकिन अगर गुरु कहे कि ये किस चक्कर में पड़ गए, पाप है, नहीं, तो फिर थोड़ा सावधान होना चाहिए। गुरु को भयभीत नहीं होना चाहिए। जैसे मित्र कभी भयभीत होता है, तुम्हारा एक मित्र हो, दो मित्र हो, दस मित्र हो, कोई मित्र भयभीत नहीं होता, क्योंकि मित्र आश्वस्त है अपने मैत्री पर। कई लोग मेरे पास आते थे पहले, तो उनके गुरु जैसे हुए तो उनके गुरु उनको कसम खिला देते थे कि देखो मुझे छोड़ना नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जाना। तो अचानक मैं देखता था कि आ रहा था वे एकदम गायब हो गया, गधे के सिर से सींग की तरह। बाद में पता चलता था कि नहीं, उसके ऊपर दबाव रहा कि भाई ये तो अपराध है, पाप है गुरु को छोड़ना, तुम कैसे ऐसा कर सकते हो पाप। ये डाला गया है, ये असुरक्षा, ये जो भाव हैं, ये उचित नहीं है। जो गुरु इतना निर्दोष हो, इतना इनोसेंट हो, इतना मित्रवत हो कि वो तुम्हारी भावनाओं को समझे, तुम्हारे जीवन के प्रवाह को समझे, वही तो गुरु हुआ ना। गुरु वो कौन हुआ कि जो तुम्हारी बहती हुई नदी को किसी टैप में बदल दे कि कहाँ से टोटी खोलेंगे तो कहाँ से पानी निकलेगा और कितना निकलेगा, पूरा मीटर लगा दे, वो गुरु नहीं हुआ। गुरु तो वही है जो तुम्हारी बहती हुई नदी को एक सहारा दे देता है बस। तो जब तुम उससे शेयर करते हो तो वो तुम्हारे हृदय का भाव समझता, सम्मान करता है। जो गुरु मित्र नहीं हो सकता, वो गुरु नहीं हो सकता। गुरु होने की पहली शर्त है मित्र होना। जो गुरु इतना गंभीर होकर गुरु बन के बैठ जाए, मित्र ना हो सके, उसके बारे में मैं क्या कहूं। क्योंकि जो जिसको होना है वो होना है, जिसको जो नहीं होना है नहीं होना है, मुझे तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए कोई अड़चन नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप शांति से चलें, बिल्कुल जीवन को विस्तार दें, अपनी मैत्री को विस्तार दें। बुद्ध ने देखिए कहा था ना कि अगली बार मैं आऊंगा मैत्रेय की तरह। अब कई लोगों ने पकड़ लिया इस बात को, पकड़ के कई लोग मैत्रेय के अवतार में लग गए। मतलब लोगों की जो मूढ़ता होती है उसकी भी कोई सीमा नहीं होती, यानी ज्ञान की सीमा नहीं है तो मूढ़ता की भी सीमा नहीं है। बुद्ध लोग बेचारे क्या करें, इसीलिए बार बार आना पड़ता है, नहीं तो मुझे लग रहा है अस्तित्व तो एक बार किसी को भेज के सारा काम करके मुद्दा ख़त्म करें कि चलो ख़त्म मुद्दा ख़त्म ही नहीं होता, फिर हम नए पैदा कर लेते हैं, फिर कुछ नया शुरू होता है, तो इसीलिए नया नया चलता रहता है। बुद्ध जैसा व्यक्ति जो कभी भी व्यक्तिवादी नहीं था, जो कभी भी व्यक्ति पूजा में रुचि रखने वाला नहीं था, तो वो ये बात कहें कि मैं रीइनकार्नेट करूंगा मैत्रेय के नाम से, तो ये बुद्ध के मुंह में डाली गई एक बड़ी स्टुपिड सी बात होगी। बुद्ध ऐसा कहेंगे ये तो संभव ही नहीं है। मतलब
जो बुद्ध को जरा भी जानेगा वो मान ही नहीं सकता, लेकिन लोग बुद्ध का रीइंकार्नेशन कराने में लगे रहे। बड़े बड़े गुरु अपने शरीर में उनको जगह देते रह गए कि बुद्ध का जो है वो उनके अंदर प्रकटीकरण हो रहा है, मैनिफेस्टेशन हो रहा है। जबकि बुद्ध ने बड़ी प्यारी सी बात कही कि भविष्य में जो बुद्ध होंगे वो मैत्रेय के रूप में होंगे, मित्र के रूप में होंगे। अब वक्त गया जब कोई किसी के कंधों पर बैठे, अब वो वक्त गया जब कोई किसी को दबाए। ये बुद्ध की अंतर्दृष्टि थी कि आने वाला वक्त ज़्यादा प्रज्ञावान होगा, लोग ज़्यादा शिक्षित होंगे, लोग ज़्यादा अवेकंड होंगे, तो गुरु का मित्र होना आसान होगा। पहले के वक्त में भी ऐसा नहीं कि जो गुरु बड़ा अपना रोल गुरु का प्ले करते थे मित्र नहीं होते थे, लेकिन लोग उसको लेने में अभी कमज़ोर थे, तो उनको वो भारी भरकमपन दिखाना पड़ता था, वो उनकी एक्टिंग होती थी, वो लीला होती थी। बुद्ध को भी करना पड़ा, बुद्ध को भी थोड़ा तामझाम करना पड़ा, लेकिन जब लोग जागृत हों, संवेदनशील हों, तो गुरु मित्र हो सकता है, बुद्ध मित्र हो सकता है। तो बस गुरु को मित्र की तरह समझें, किसी अड़चन में मत पड़ें और खुश होकर चलते रहें। इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है।